हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिलेशन एंड इन रिलेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टाइप्स ऑफ रिलेशन, स्पेशली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने चार सम लिखे हुए हैं और इनको हम चेक करेंगे कि इनमें से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो इसको स्पेशल हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है. तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. रिलेशन ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी. बेटा इस तरफ ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, आर इज ग्रेटर देन, यानी कि रिलेशन है ऑन एन डिफाइन आर इज ग्रेटर देन, यानी रिलेशन ग्रेटर देन के लिए आ सकता है. तो पहले आप उसको ऐसे बना लेंगे, सेट है आपका नेचुरल नंबर, ऑन नेचुरल नंबर रिलेशन ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी. तो पहले आप इसको, यदि स्टेटमेंट ऐसी आती है इज ग्रेटर देन की, तो पहले आप उसको इस प्रकार रिलेशन बना लेंगे. अब इस रिलेशन को बेटा हम चेक करेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम है, एक मैं कराऊंगा बेटा, आप ये खुद ट्राई करेंगे. इसके बारे में हिंट जरूर दूंगा मैं साथ साथ. तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. सेट क्या है? नेचुरल नंबर के लिए है और रिलेशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी. तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखनी चाहिए बेटा. रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या थी? ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ए मीन सेट. यहां पर सेट बनेगा आपका नेचुरल नंबर. तो इसमें सबसे पहले क्या करना, हमने इस सेट में से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें रख के देखेंगे कि क्या वो कंडीशन जो इसने दी है ग्रेटर देन की वो ट्रू है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट बेटा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, पता ना आपने इस बात का. तो यहां पर बी की जगह ए पुट करके देख लीजिए. रिफ्लेक्सिव का बहुत आसान है, अगर आपका यहां पर ऑर्डर पेयर एक्स वाई है तो वाई की वैल्यू एक्स पुट करके देख लीजिए, P Q है तो Q की जगह P पुट करके देख लीजिए, A B है तो B की जगह A पुट करके देख लीजिए. देखिए, लेट A belongs to N. इस नेचुरल नंबर में से A हमने ले लिया और इस स्टेटमेंट में जो इसने कंडीशन दी है इसमें B की जगह A पुट करके देखिए, तो क्या स्टेटमेंट बन गई बेटा आपकी? A greater than A. सोचिए, इज दैट ट्रू? ए ग्रेटर देन ए, फोर ग्रेटर देन फोर, होता है नहीं होता ना? इसका मतलब ये बात गलत है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स. बहुत इजी है. इसका मतलब क्या है कि ए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये क्लियर है ना आपको? हमने ए एक एलिमेंट लेना है सेट में से और ये जो कंडीशन दी मिले, जब भी आपने इस प्रकार सम करना हो, जब भी कंडीशन दी मिले तो सेकंड एलिमेंट की जगह आप फर्स्ट एलिमेंट पुट करके देख लीजिए और चेक कीजिए कि क्या वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है. तो इसमें फॉल्स बनती है ना, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर खुद से तो ग्रेटर नहीं होता. तो इसका मतलब ए ए रिलेशन में नहीं है, तो इसका आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है. मैंने साथ में एक क्वेश्चन और लिया हुआ साथ में, यहां देखिए. इसमें बेटा कंडीशन है ए लेस देन और इक्वल टू. यहां यदि हम इसी प्रकार सपोज करके वैल्यू पुट करें, ए लेस देन और ग्रेटर और इक्वल टू, ए लेस देन और इक्वल टू, यहां सिर्फ बेटा ग्रेटर का साइन है और इसमें ध्यान से देखना लेस के साथ इक्वल टू भी है, या तो लेस हो या इक्वल हो,
तो यहां पर यदि हम बात करें लेस और इक्वल में से, इक्वल तो है ना, ये एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कोई भी नंबर है खुद के लिए इक्वल होता है। हाँ यहां पर लेस तो गलत है, बट इक्वल भी तो उसने कंडीशन दी है, ये इसमें वो एलिमेंट लेने हैं या लेस हो या फिर इक्वल हो, तो इसका मतलब इसमें आप ए ए ले सकते हैं, ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, इसमें आर रिफ्लेक्सिव बनेगा, क्लियर है। इसमें हमने क्यों फॉल्स बोला, क्यों इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर था, इसमें इक्वल टू भी है इसलिए आप इसको ले सकते हो। तो इसमें भी यदि इक्वल टू होता तो आपका ट्रू होता, इज दैट क्लियर। ये ग्रेटर का है और ये आपका लेस का है, बट इसमें लेस के साथ साथ क्या गिवन है, क्या गिवन है, इक्वल टू, तो इसको हम ले सकते हैं। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन थी, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एन ए। थ्री फोर रिलेशन में है तो फोर थ्री भी रिलेशन में होना चाहिए, फाइव सिक्स यदि आपका रिलेशन में है तो बेटा सिक्स फाइव भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, ए बी यदि रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। आप कंडीशन पे आओ, ए ग्रेटर देन बी, आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर सोच लीजिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है, बड़ा है, इसमें क्या सोचोगे, छोटा है। सेम क्वेश्चन है, अब आप बाकी दोनों पार्ट खुद करेंगे, मैं सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट आपको जो डिफरेंस था आपको बता दिया है। फाइव इज ग्रेटर देन टू, सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स, बेटा आपने ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से ग्रेटर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो आपको लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सेकंड आपने चेक करना है। जैसे मैंने ले लिया लेट फाइव कोमा टू बिलोंग्स टू आर, ये सपोज कर लिया मैंने, इसको यदि हम चेक करें, फाइव टू को चेक कीजिए, देखिए इस रूल में तो ए की वैल्यू फाइव है और बी की टू है, तो यहां पर फाइव ग्रेटर देन टू है, इट्स मीन ये ट्रू है हमारा, विच इज ट्रू। अब इसका उल्टा चेक करेंगे कि क्या ये बात भी सही है, यही तो सिमेट्रिक है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है क्या, ए बी है तो बी ए बी उसके अंदर होना चाहिए, तो इसमें टू फाइव को चेक करेंगे, तो इसमें रख के देखना टू ग्रेटर देन फाइव, टू तो फाइव से ग्रेटर होता है, होता है ना, होता है नहीं होता बेटा, टू लेस होता फाइव से, टू इज लेस देन फाइव, इट्स मीन ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। यानी इस रिलेशन में यदि फाइव टू कोई ऑर्डर पेयर है इस कंडीशन के अनुसार बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, बट टू और फाइव उसमें नहीं मिल सकता, सो टू फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही सेम आपका लेस देन के ले लेंगे, उसमें टू कोमा फाइव सोच लेना और फाइव कोमा टू उसमें फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कुछ डेफिनेशन याद है जो मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, सोचिए क्या था उसमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दो ऑर्डर पेयर इस टाइप के होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यदि सेम है तो इसमें एक ऑर्डर पेयर और होना चाहिए ए सी। ये आपकी ट्रांजिटिव डेफिनेशन थी, फॉर ऑल ए बी सी सेट में से होने चाहिए। अब सोचिए जैसे सेवन फोर से ग्रेटर है, सेवन इज ग्रेटर देन फोर, अब यहां पर फोर आपने लेना है क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट फोर है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फोर तो आपको लेना ही पड़ेगा। फोर किससे ग्रेटर है, थ्री से भी है, टू से भी है, वन से भी है, मैंने यहां पर थ्री ले लिया। दो ऑर्डर पेयर बेटा आपने इस प्रकार सपोज करने हैं कि जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट
और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए। लीजिए आप कुछ भी मर्जी आपकी। अब 7-3 को सोचिए, क्या 7-3 से ग्रेटर है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो ए सी से ग्रेटर मिलेगा। तो यहां पर ट्रांजिटिव के लिए आप दो ऑर्डर पेयर सोच लेना, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और इसको डिफाइन कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन क्या बनी? ए ग्रेटर देन बी। इसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन क्या बनी? बी ग्रेटर देन सी। अब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो राम मोहन से तो बड़ा हुआ ना, तो यहां पर इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव है हमारा, इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देना। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें देखिए, लेस देन का भी सेम बेटा। अब इसमें देखिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, सिर्फ ट्रांजिटिव है। लेस देन वाले समय बेटा रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इसको जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है और जो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपका इनमें से कोई सा भी ना तो आपका क्या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों में अगर कंपैरिजन करें सिमेट्रिक कोई से में नहीं है, किसी में भी सिमेट्रिक नहीं था। तो इसलिए थर्ड और फोर्थ कोई सा भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना। ओन आर, आर को थोड़ा मैंने डार्क लिया है, इसका मतलब रियल नंबर पर है। रिलेशन का नाम भी आर से ही है, ये थोड़ा डार्क है, सेट का नाम आर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सेट आपका आर है, रियल नंबर, ये थोड़ा डार्क ले लेना आप। और रिलेशन आपका है ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्केयर, बहुत इजी सम है। यदि बेटा ये वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, बी स्केयर है, बी क्यूब है, बी रेस टू पावर फोर है, बी रेस टू पावर फाइव है, ये कोई सा नहीं होता, ना रिफ्लेक्सिव होता, ना सिमेट्रिक होता, ना ट्रांजिटिव होता, ना इक्विवेलेंस होता, याद खड़ा इस बात को, इज दैट क्लियर? अब इसका करना कैसे है? दोनों सम सेम है, फर्स्ट आप ये कह सकते हो सर किसी भी नंबर का स्केयर करें तो नंबर उसे छोटा मिलेगा, जैसे थ्री, थ्री के स्केयर से लेस मिलेगा, फोर, फोर के स्केयर से लेस मिलेगा, तो रिफ्लेक्सी तो बनेगा। ये बेटा ये रियल नंबर पर है। एक बात याद रखना, एक फोर ऑल वर्ड यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव में, वन टू थ्री, तो वन वन भी चाहिए, टू टू भी चाहिए, थ्री थ्री भी चाहिए, यानी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सेम, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में सेम हो, वो सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 100 नंबर हैं, 99 के सेम है, वन का नहीं है, तो इसका नो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बेटा इस प्रकार में ये हैं आपके पास, लेकिन हमने उनके बारे में भी सोचना है जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन अकॉर्डिंग ना बनते हो, वो बनेंगे आपके फ्रैक्शन जीरो से वन के बीच में। आपको पता है 1/3 और 1/5 में, देखो 3 और 5 में सोचे पहले कौन सा बड़ा होता है, 5, और 1/3 और 1/5 बेटा 1/3 बड़ा होता है। यदि न्यूमरेटर सेम है, प्लस वाले पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव नंबर में यदि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका बड़ा है वो नंबर छोटा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप जब इसको रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, याद रखना कोई भी फ्रैक्शन सोच लेना पॉजिटिव फ्रैक्शन, जैसे मैंने 1/3 ही ले लिया, चलो आप 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो भी सपोज करना चाहे कर सकते हैं, पॉजिटिव मैंने 1/3 ही ले लिया, कोई रियल नंबर है, इसे पुट करके देखेंगे। अब फिर रिफ्लेक्सिव में ए बी 1/3 है और बी बी 1/3 है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं, रख के देखना 1/3 लेस देन 1/9, 1/9 कहां से आया बेटा, मैंने 1/3 का स्केयर कर दिया। अब 1/3 और 1/9 में बड़ा कौन सा है, 1/9 नहीं,
क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें 1/3 बड़ा है, बट ये लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब क्या है, विच इज फॉल्स, ये आपका क्या है बेटा, फॉल्स है। क्यूब वाले में भी यही रहेगा, ये दोनों सेम है, पावर कितनी भी हो बेटा सेम प्रोसीजर है। क्यूब वाले में यहां पर 1/27 आ जाएगा, सो 1/3, 1/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको मैं सिमेट्रिक के बारे में सिखाता हूं, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेट आपको फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऐसा लेना पड़ेगा बेटा जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, यानी ट्रू होता हो। उसका उल्टा हम चेक करेंगे, वो होता कि नहीं होता। इसका बिल्कुल आसान तरीका सिखाता हूं आपको मैं, बिल्कुल आसान है। आप यहां पर कोई भी नंबर सोच लीजिए, जैसे मैंने 2 ले लिया, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1 को मत लेना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, कुछ भी लीजिए जो आप मर्जी लेना चाहे। सेकंड एलिमेंट को थोड़ा सोच के लेना, वो कैसे सोच के लेना है, अगर स्क्वायर का सम है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, उससे बड़ा लेना आपने। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आप यहां पर 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो मर्जी आपकी। क्यूब वाले सम में इसका क्यूब से ग्रेटर होना चाहिए, यहां पर क्यूब वाले सम में 2 लिया तो यहां पर 8 से बड़ा होना चाहिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, एज यू विश। बस ध्यान ही रखना, स्क्वायर वाले सम में स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, और क्यूब वाले सम में क्यूब से बड़ा होना चाहिए। ये हमने रिलेशन में सपोज कर लिया। इसका उल्टा चेक करेंगे, पहले इसको देखते हैं बात सही है नहीं है। 2/5 इसको चेक करते हैं। अब 2/5 को यहां पुट करेंगे बेटा, ए की वैल्यू 2 और बी की 5, तो 2 less than 25 ट्रू है ये, विच इज ट्रू, तो 2 तो 25 से छोटा होता है। अब इसका उल्टा चेक करेंगे हम, 5 2, तो 5 less than 4, 2 का स्केयर है, ये फॉल्स आपका, विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है बेटा आपका, 5, 2 आर में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो जब सिमेट्रिक चेक करें इस प्रकार के समय, बहुत इजी आपको मैंने मेथड बताया है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 को छोड़कर आप कुछ भी ले लीजिए, ये जो सेकंड एलिमेंट लोग है ना, स्केयर वाले सम में स्केयर से एक थोड़ा ज्यादा ले लेना, 2, 3, 4 मर्जी आपकी, जैसे 2 का स्केयर 4 है तो 5, 6, 7, 8 जो भी लेना चाहिए, छोटे छोटे लेना ताकि जल्दी मतलब आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और क्यूब वाले सम में क्यूब से बड़ा लेंगे। अब इसमें ट्रांजिटिव रहता है, अब ट्रांजिटिव में भी आपको बताता हूं आपको मैं कि दो ऑर्डर पेयर आपको कैसे लेने चाहिए, उसको भी यदि आप ध्यान से सोच कर करोगे तो कुछ ही मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट लेट, इसमें दो ऑर्डर पेयर लेते हैं बेटा, देखो ये 2 लेते, मैं पहले ही बना लेता हूं, ये 2 लेने कैसे हैं आपने सोच के लेना थोड़ा सा। सबसे पहले इसको सपोज कर लीजिए, जो आपका ए बी और बी सी होता है, इसमें सी ले लीजिए, जो भी आपका मन करे वो ले लीजिए। ट्रांजिटिव में ध्यान से देखना इसको, सबसे पहले सी को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 मत लेना, बस 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव लेना, इस बात को ध्यान रखना। इसका जो स्केयर है, ये स्केयर का सम है, उससे ज्यादा आपने ए लेना है। सी का स्केयर कीजिए, 2 का स्केयर 4, 4 से बड़ा आपका जो मन करे वो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्यूब वाले सम में इसका क्यूब कीजिए, क्यूब से बड़ा लेना है। यदि पावर 4 है तो इसकी पावर 4 कीजिए, 16 उससे बड़ा लीजिए, 17, 18 जो भी मन करे, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, अब रहता है हमारे सेम एलिमेंट बी, ये दोनों क्लियर हो गया आपको। अब ये कैसे लेना है, 5 सोचिए किसके स्केयर से बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा, सोचेंगे इसमें बड़ा है छोटा, छोटा इसमें लेस देन का साइन है। 2 का स्केयर 4 होता है, बट ये 5 है, 2 नहीं लेंगे हम। 3 का स्केयर 9 होता है, तो 9 से छोटा 5 होता है, तो हम 3 लेंगे। तो इसको आप वो नंबर सपोज करेंगे जिसके स्केयर से छोटा बने, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो लीजिए,
बट नेगेटिव लेना। नोट दिस पॉइंट, -3 ले लिया मैंने, यहां भी -3 लेंगे। लेना नेगेटिव है, 4 ले सकते हैं, -4 कुछ भी ले लीजिए। इन दो को हम चेक करेंगे अब ये सही बात है या नहीं है। 5-3 को चेक करते हैं इसमें रख के, तो 5 less than 9 ट्रू है, -3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा। सेकंड ऑर्डर पर देखना, -3 2 है ना, तो -3 less than 2 का स्क्वायर 4, ये भी ट्रू है। देखिए -3 2 2 है ना हमारा। अब चेक किसको करना है, एसी को, 5 2 को चेक करें, किसको चेक करेंगे, 5 2 को, तो 5 less than 4 ये फॉल्स हमारा। बेटा अभी इसमें हम ए की जगह 5 पुट करेंगे, बी की जगह 2, तो 5 less than 4 ये गलत है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 5 2 यानी ए और सी वाला ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार का जो सम होता है बेटा, वो ना रिफ्लेक्सिव होता, ना सिमेट्रिक होता, ना ट्रांजिटिव होता। जब इनमें से कोई सा भी नहीं है तो इक्विवेलेंस तो वैसे नहीं है। तो इनको जो मैंने रूल आपको बताया है उनको यदि आप फॉलो करोगे तो बड़े इजी सम है। अब हम कुछ सम और देखेंगे इनके बाद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेट है टी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का, टी कोई सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, इसमें सारी ट्रायंगल्स हैं, सारी टाइप्स की हैं, आपको जितनी टाइप्स पता सब ट्रायंगल्स इसमें हैं। और रिलेशन है T1, T2, ये ऑर्डर पेयर है, T1 congruent to T2, इसमें congruent का है, congruent पता है ना आपको, ऐसी दो ट्रायंगल जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सिमिलर का है, दो समय है साथ के साथ, इसमें एक ही सम कराऊंगा, एक आपने करना है। सिमिलर में क्या होता है, साइड्स का रेशो इक्वल होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट कराने बेटा, ये फर्स्ट पार्ट देखिए। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं T1 T1, ए बी है तो ए ए, एक्स वाई तो एक्स एक्स, पी क्यू है तो पी पी। तो इसमें एक एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ले लिया हमने, लेट T1 किसमें से, सेट में से, ध्यान देना हमेशा सेट में से लेना है। और मैंने अभी आपको बताया था जो कंडीशन है उसमें B की जगह A पुट करेंगे, तो T2 की जगह आप T1 पुट करेंगे, T1 congruent T1, इसमें T1 similar T1, एवरी ट्राइंगल इज congruent टू इट सेल्फ, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ, क्योंकि जो भी ट्राइंगल है खुद के तो congruent भी होते हैं और सिमिलर भी होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें T1 T1 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में है। आप T1 चाहे कुछ भी ले लीजिए, लेनी सेट में से है, तो R इज रिफ्लेक्सिव और सिमिलरिटी में भी यही बनेगा बेटा सेम। इसके बाद है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया आपका। सिमेट्रिक में हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, जैसे ले लिया लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, और डेफिनेशन में रख दीजिए इसको, यानी T1 congruent T2, ये तो रूल लिया हमने जो है, यानी हमने एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिया बेटा जिसमें T1 T2 congruent है। ये जो ट्राइंगल है T1 है, ये ट्राइंगल है T2, तो ये ट्राइंगल इसे congruent है, इस ट्राइंगल की सारी साइड T2 के इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो T2 भी तो T1 के congruent होंगी। सिंपल है बेटा, जब T1 और T2 congruent है तो T2 और T1 भी congruent होंगी, सिमिलरिटी में भी वही है। जब T1 और T2 की सारी साइड का रेशो इक्वल है तो T2 और T1 की सारी साइड का रेशो भी इक्वल होगा, एंगल तो इक्वल है उनके। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट T2 congruent T1, उसमें आपका सिमिलर वाला भी यही रहेगा। सो T2 comma T1 बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसके। अब T1 T2 लिख के जरूर दिखा रहे हो बेटा डेफिनेशन, T1 T2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट T2 T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू सेट, सेट क्या आपका इसमें T। इसके बाद हमारा इसमें है ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव में आप दो ऑर्डर पेयर लेंगे ना, T1 T2 और T2 T3,
सेम क्वेश्चन है, सिमिलर और कोऑर्डिनेट कोई डिफरेंस नहीं है। लेट टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर। ये दो ऑर्डर पेयर हमने ऐसे लिए हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर भी इसको फॉलो करता है। तो इंप्लाइज दैट टी वन कोनग्रेंट टी टू एंड टी टू कोनग्रेंट टी थ्री। टी वन ट्रायंगल है, टी टू ट्रायंगल है, टी थ्री ट्रायंगल है। टी वन और टी टू कोनग्रेंट है, एंगल्स तो इक्वल है बेटा, मैं साइड्स की बात करता हूं। टी वन और टी टू की सारी साइड इक्वल है, टी टू और टी थ्री की भी सारी साइड इक्वल है, तो टी वन और टी थ्री की तो सारी साइड इक्वल होंगी, सिंपल है। सिमिलर में टी वन और टी टू की साइड का रेशियो इक्वल है, टी टू और टी थ्री की साइड का रेशियो इक्वल है, तो टी वन और टी थ्री की साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो दोनों ही केसेस में इसमें टी वन कॉन्ग्रेंट टी थ्री और उसमें टी वन सिमिलर टू टी थ्री। सो इंप्लाइज दैट टी वन टी थ्री बिलोंग्स टू आर। इसकी डेफिनेशन लिख के दिखा देना बेटा, टी वन कोमा टी टू बिलोंग्स टू आर, टी टू कोमा टी थ्री बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट टी वन कोमा टी थ्री बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल टी वन टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू सेट। और सेट क्या आपका टी, ऑल ट्राइंगल्स का। इट मीन आर इज, आर क्या इसमें आपका ट्रांजिटिव है, दोनों ही केसेस में क्या आपका ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर। जब रिफ्लेक्सिव भी है आपका ये आपका सिमेट्रिक भी है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, तो दोनों ही केसेस में ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें एक समो ले देता हूं बेटा जो आपने खुद करना है, ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये को रिलेशन है। तो देखिए फर्स्ट ए पुट करेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बनेगा, सिमेट्रिक में जब ए बी लेंगे तो एफ ए इक्वल टू एफ बी बनेगा, उल्टा भी तो बनेगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए भी तो बनेगा। अगर आप तीन लेंगे ए बी बी सी तो इसके ए बी अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनेगी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और बी सी अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनेगी, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ ए तो बेटा एफ ऑफ बी के इक्वल है और एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल बनेगा, एफ ऑफ सी के। तो ये जो रिलेशन है ये भी आपका इक्विवेलेंस बनेगा। तो इन क्वेश्चन को बेटा अच्छे से करना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।